नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। उपचुनाव जैसे ही करीब आए तो आजमगढ़ एक रणभूमि बन गया है। सभी दिग्गज आजमगढ़ में ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। आजमगढ़ को कुरुक्षेत्र बना दिया है। अब एक महायुद्ध वहां होने ही वाला है। अब यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौरव कौन है और पांडव कौन है, जीत कौन दर्ज करता है। तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। वहां जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए जोड़ तोड़ प्रयास कर रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव भी कम प्रयास नहीं कर रहे हैं, वह भी जनता के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और वह भी उनसे लगातार वादे कर रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव के लिए एक सुकून की बात है कि यहाँ से अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, दिनेश लाल यादव ने निरहुआ को हराया था, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो धर्मेंद्र यादव को मिलने वाला है। और निरहुआ के लिए एक परेशानी का सबब यही है कि वह यहाँ से हार चुके हैं, तो प्लस पॉइंट समाजवादी पार्टी के लिए है। फिर भी सारे दिग्गज मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रदेश सरकार के दो मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, वह भी लगातार जनता से संपर्क साध रहे हैं, जनता के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं निरहुआ दिनेश लाल यादव भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मोदी लहर में निरहुआ तो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन भाजपा भी दिलदार है, उपचुनाव की बारी आई तो कहा निरहुआ आप यहाँ हारे थे और आप ही यहाँ से फिर चुनाव लड़े, कोशिश करें शायद जीत जाए। लेकिन यह भरोसा ना करें कि मोदी लहर में जीतना है या भाजपा लहर में जीतना है, बल्कि जनता के समक्ष प्रस्तुत होकर जनता को रिझाएं, जनता से बातें करें। तो पिछली बार भी निरहुआ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इस बार भी लगे हुए हैं, बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि निरहुआ ने यह भी कह दिया कि यदि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊं तो मुझे 1.5 साल बाद ही भगा देना, यहाँ से मेरी वापसी कर देना। खैर, यह तो जुमला है, 1.5 साल बाद किसकी वापसी होती है जीतने के बाद। हाँ, हो सकता है कि नेताजी नजर ना आए, लेकिन जनता यह नहीं कर पाती कि उन्हें वहां से खारिज कर दे। तो निरहुआ जनता से बड़ी आस लगाए हुए हैं, बड़ी आशाओं के साथ उनके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बस एक बार जिता दो, एक बार हमारे नाम के आगे सांसद लगवा दीजिए कि सांसद दिनेश लाल यादव, फिर जो आपकी मर्जी हो वह करें। तो और बात करें प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, बड़े चेहरे, सारे बड़े चेहरे आजमगढ़ में, सुनील बंसल वह भी पहुंच गए, वह भी जनता से लगातार मुलाकात कर रहा है। जैसे कि यह सीट भाजपा को हर हालत में जीतनी है, यहां से समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध देना है। समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। अब इस कुरुक्षेत्र में जो महाभारत चल रही है, आखिर इसमें कौरव कौन है और पांडव कौन है, यह तो परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा। हम पहले से नहीं कह सकते कि ये कौरव है और यह पांडव है। तो यह अब चुनाव होंगे, उपचुनाव के बाद देखा जाएगा कि आखिर जीत किसने दर्ज करी है, निरहुआ के दावे और निरहुआ के वादे जीत गए या अखिलेश यादव के नाम पर ही धर्मेंद्र यादव ने वहां पर अपनी पैठ बना ली। तो यह देखने के लिए हमें चुनाव के परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आखिर आजमगढ़ के उपचुनावों में जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे
या दिनेश लाल निरहुआ की जीत होगी। तो इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।